महाराष्ट्र, टेंडर्स बाय ऑर्गेनाइजेशन। मैं यहां पर एक सिंगल क्लिक करता हूं, महाराष्ट्र के अंदर जितने भी डिपार्टमेंट हैं उन सारे ऑर्गेनाइजेशन के डिपार्टमेंट की यहाँ लिस्ट आ जाती है। फिलहाल यहाँ पर अभी 202 नजर आ रही है हमें। इन्होंने जिस तरीके से दिया है, इसमें जो जिला परिषद है उसका उन्होंने यहाँ जिला वाइज दिया है। यहाँ पर देखिए, पुणे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, तो अलग अलग कॉरपोरेशन के दिए हैं उन्होंने। उसी तरीके से अगर हम यहाँ डी पर आते हैं, देखिए अभी फिलहाल 7 नंबर पे डायरेक्टोरेट ऑफ म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन। यहाँ पर अगर मैं क्लिक करता हूँ, मेरा कर्सर देखो कैसे चेंज होता है नंबर पे, अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो जितने नंबर थे उतने यहाँ पे टेंडर दिखाई देंगे। ये सारे टेंडर यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर हमें उसके ताल्लुक से पूरी मालूमात मिल जाती है कि डायरेक्टर ऑफ म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन धुले, ये डोंडाइचा का है। इसी तरीके से ये नागपुर, इसी तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पर ये अहमदनगर का करजत। इस तरीके से अलग अलग चीजें हमें यहाँ पर मिलेगी पूरे महाराष्ट्र के लेवल से। मैं यहाँ बैक करता हूँ, अब अगर थोड़ा सा नीचे आता हूँ मैं आर में, तो यहाँ पर देखिए 137 नंबर पर 210 टेंडर है जिला परिषद अहमदनगर के। तो मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, और यहाँ पर सारे टेंडर दिखाई दे रहे हैं, उसमें जितने नंबर थे वो सारे यहाँ दिखाई देते हैं। अभी फिलहाल यहाँ 210 दिखाई दे रहे हैं। वीपी रहेगा तो विलेज पंचायत के रिलेशन से टेंडर है, और अगर इस तरीके से रहेगा तो ये जिला परिषद के हिसाब से ये टेंडर है। हमें कोई भी एक टेंडर देख लेते हैं जिला जिला परिषद प्राइमरी स्कूल के रिलेशन से। तो ये जो चीज दी हुई है इस पे जैसे मैं कर्सर लाता हूं तो देखो कैसे कर्सर चेंज होता है। इस पे एक सिंगल क्लिक करेंगे। आज हमें जो चीज देखना है वो देखना है टेंडर डिटेल्स। हम बहुत शॉर्टकट में ये चीज देखने वाले हैं कि इसमें कौन कौन सी चीजें होती है। अगर आप टेंडर पब्लिश करना चाहते हैं तो तब भी ये टेंडर डिटेल की मालूमात जरूरी है, और अगर आप टेंडर भरना चाहते हैं तब भी ये टेंडर डिटेल के ताल्लुक से मालूमात होना जरूरी है। बेसिक डिटेल है, हम टेंडर भरने के रिलेशन से बात कर लेते हैं। पहली जो चीज है हमारी वो है बेसिक डिटेल्स। इसमें हमें क्या याद रखना है या क्या चीजें जरूरी है वो देखते हैं। वैसे तो हर चीज जरूरी होती है, तो यहाँ पर देखिए हमें टेंडर आईडी मिलती है। डिपार्टमेंट तो हमें पहले से ही पता है कि हम जिला परिषद का अहमदनगर का ये टेंडर देख रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे पास देखो टेंडर आईडी होती है, टेंडर ओपन है कैसा है वो मालूम होता है, यहाँ वर्क्स मालूम पड़ता है, यहाँ पर परसेंटेज मालूम पड़ते हैं, यहाँ पे नंबर ऑफ कवर्स मालूम पड़ता है। साथ ही साथ यहाँ पर देखो विड्रॉल अलाउड, जैसे कि आपने टेंडर भर दिया लेकिन आपको पता चला कि ये टेंडर मेरे लिए ठीक नहीं रहेगा, मुझे टेंडर विड्रॉल कर लेना चाहिए, ये आपको फोन आता है कि ये टेंडर आप छोड़ दीजिए, तो उस हालत में आप ये टेंडर विड्रॉल कर सकते हैं अगर यहाँ पर यस है तो। अगर नो है तो फिर आप टेंडर विड्रॉल नहीं कर सकते। तो देखो बेसिक डिटेल में हमें टेंडर आईडी की जरूरत पड़ती है, परसेंटेज की जरूरत पड़ती है, किस टाइप का टेंडर है, परसेंटेज है, आइटम वाइज है, आइटम रेट है, ये यहाँ पर हम देख लेंगे। इसी तरीके से विड्रॉल के ताल्लुक से यस नो देख लेंगे। अब पेमेंट तो कंपलसरी ऑनलाइन हो ही चुका है इसलिए तो वो ऑनलाइन ही रहने वाला है। और भी चीजें हैं इसमें लेकिन आज के वीडियो में हमने ये मोटी मोटी दो तीन चीजें देखी। यहाँ पर पेमेंट के रिलेशन से चीजें रहेगी। यहाँ पर अगर दो कवर है तो यहाँ पे दो कवर दिखाई देंगे, अगर यहाँ एक कवर है तो यहाँ पे एक दिखाई देगा, अगर यहाँ पे दो से ज्यादा है तो यहाँ दो से ज्यादा दिखाई देंगे।
साथ ही साथ यहाँ पर एक के सब ग्रुप भी हो सकते हैं। यहाँ पर देखिए सिर्फ दो ही चीजें हैं, हम आने वाले वीडियोस में इसे और भी देखेंगे अलग अलग तरीके से। यहाँ पर पेमेंट के रिलेशन से डिटेल दी हुई रहती है। यहाँ पर देखो टेंडर फी है, टेंडर भरने के बाद टेंडर फी आपको वापस नहीं मिलती है। और यहाँ पर देखिए प्रोसेसिंग फी 500 रुपये है, जो कि 15 अगस्त से शुरू हो चुका है। यहाँ पर देखिए EMD है, यहाँ पर अगर यस लिखा है तो एग्जेम्पशन के रिलेशन से चीज समझ में आती है, अगर नो है तो फिर आपको ये पेमेंट करना ही होता है। ये दोनों पेमेंट एक साथ होता है, अलग अलग करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन इसमें कुछ ऑप्शन चेंज होते हैं। अगर यहाँ पर EMD की अमाउंट है, अगर यहाँ EMD की 0 अमाउंट है तो उसकी कंडीशन थोड़ी अलग रहेगी, पेमेंट एक ही साथ होता है। हम आने वाले वीडियोस में इसके ऊपर भी बात करेंगे। तो बेसिक डिटेल में कुछ चीजें देखी हमने पेमेंट के ताल्लुक से। यहाँ पे स्टेट बैंक वगैरह फिक्स रहता है, कवर यहाँ पे जो रहेगा वो यहाँ पे दिखाई देंगे, इसके सब ग्रुप भी हो सकते हैं। यहाँ पर टेंडर फी होती है, कभी कभी टेंडर फी 0 भी हो सकती है, प्रोसेसिंग फी फिक्स कर दी गई है, अर्नेस मनी भी 0 हो सकती है। यहाँ पर यस या नो होता है, इस केस में नो है। उसके बाद देखो यहाँ पर जो हमारा काम का नाम होता है, नेम ऑफ वर्क मिलेगा। बहुत सारे टेंडर में आपको ये दोनों एक जैसा भी मिल सकता है और अलग भी मिल सकता है। यहाँ पर टेंडर वैल्यू है, कभी कभी आपको यहाँ टेंडर वैल्यू शो नहीं होती है तो उसे BOQ में देखा जाता है। इसी तरीके से यहाँ पर देखो लोकेशन अहमदनगर दिया है तो यहाँ अहमदनगर दिखाई देगा, और यहाँ पर बिड ओपनिंग का ताल्लुक से यही चीज रहती है, तो ये देख सकते हैं हम अच्छी तरीके से। उसके बाद देखो पिन वगैरह भी है यहाँ पर, और कौन सा सिविल वर्क वगैरह है वो भी है यहाँ पर। और यहाँ पर आती है डेट, डेट में देखिए पब्लिश डेट मिलेगी आपको, कब आप डाउनलोड कर सकते हैं वो डेट और टाइम मिलता है आपको, कब आप टेंडर भर सकते हैं वो टाइम और डेट मिलता है आपको, बिड ओपनिंग कब होने वाली है वो मिलता है आपको, जो एंड होने वाला है जब आप टेंडर डाउनलोड नहीं कर सकते वो डेट और टाइम है यहाँ पर। और इसी तरीके से देखो कब आप टेंडर का जो आखिरी वक्त है, जो डेट है वो भी यहाँ पर दिखाई देता है। तो टेंडर भरने से पहले ये टेंडर डिटेल को एक बार अच्छी तरीके से पढ़ लेना होता है। यहाँ पे दो चीजें हैं, एक ये और ये डाउनलोड के रिलेशन से है, आने वाले वीडियोस में हम देखने वाले हैं, और यहाँ पर टेंडर इनवाइटिंग अथॉरिटी के रिलेशन से चीजें हैं। तो ये था टेंडर डिटेल, जो अब हम टेंडर डाउनलोड करेंगे तो टेंडर डिटेल भी डाउनलोड करते हैं।